बढ़ सकती है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, पेंशनर्स के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट इतला है, वो आपको गौर बताएंगे क्या कुछ कंसर्न अथॉरिटी ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है। बिल्कुल, बात करेंगे उन पेंशनर्स की जो आजकल हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से वो लगातार कतारों में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे सर्दियों के इन आयाम में, और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग शख्स की भी मौत हुई है नॉर्थ कश्मीर के अंदर। उसके बाद ही अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस हवाले से एक सहूलत दी है उन्हें जो पेंशनर्स हैं कि वो ऑनलाइन अब जो जरूरी लवाजमात है, जरूरी दस्तावेजात हैं जिनके वो पेंशनर्स के एप्लीकेशन, वो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। ये इंतजामिया की जानिब से कहा गया, अब उन्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ये बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वजाहत की गई है कि पेंशन की दरख्वास्तें अब ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से वजाहत की गई है क्योंकि चंद रोज कबल ही जहां हमने देखा है कि नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में जब एक कतार में एक बुजुर्ग खड़ा था, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। तमाम इस सिलसिले में जो जिला इंतजामिया बांडीपुरा है, इस सिलसिले में एक टीम भी तश्कील दी है जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इंतजामिया ने अब आवाम को राहत दी है कि वो अब ऑनलाइन अपनी जो लवाजमात हैं, जो दरख्वास्तें हैं, एप्लीकेशन हैं, वो अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जिसपे आपको ये सभी ऑनलाइन पोर्टल जो है जिसपे आप ये जमा कर सकते हैं, ये है jansugam.jk.gov.in। आप याद रखिएगा कि ये वेबसाइट है जहां से पोर्टल है जहां से आप जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप इसमें जमा कर सकते हैं, जिसमें एज सर्टिफिकेट होगी, राशन कार्ड होगा और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और दीगर जितने भी इस पेंशन के लिए जरूरी लवाजमात है वो आप ऑनलाइन, वो एप्लीकेशन, वो दरख्वास्तें, वो सर्टिफिकेट वो आप ऑनलाइन ही आप जमा कर सकते हैं। तो कतारों में खड़े जो लोग थे उनके लिए और आसानियां पैदा की हैं हुकूमत ने, और इन दिनों अगर परेशानियां हैं तो एक तवील मुद्दत के लिए अब आसानी भी होगी आने वाले वक्त में। जिन लोगों को पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जिनको 1000, 1500 या इसके आसपास मिलता है, तो वो घर बैठे ही उनके अकाउंट्स में भी, उनके खातों में पहुंच जाएंगे, तो दफातर जाने की जरूरत भी मुस्तकबिल में नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वक्त ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का या दरख्वास्तें जमा कराने का मामला था उसको भी आसान सरकार ने फिलहाल कर दिया।